दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हृदय को आनंद देने वाला, वात्सल्य देने वाला, प्रेम देने वाला, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थाश्च भावनाओं को पैदा करने वाला और सबके साथ में मेल जोल बढ़ाने वाला, शांतिपूर्ण से अस्तित्व विश्वास रखने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। हर विषय हमें एक जीवन की नई दिशा को उद्घाटित करता है। हर विषय हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो विषय है वह है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है स्वास्थ्य सुरक्षा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वास्थ्य सुरक्षा का अर्थ होता है हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखें, यानी कैसे स्वस्थ रखें। तो आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, एक एक स्वास्थ्य की बात करेंगे और वो स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रह सकता है, कैसे सुरक्षित हो सकता है, उस स्वास्थ्य को कैसे पाया जा सकता है, किस साधन से पाया जा सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्वास्थ्य के संबंधी परिभाषा दी है कि जिस व्यक्ति के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड जो है अपना सोशल हेल्थ रहती है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसको मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, पांचों जिसके स्वास्थ्य होते हैं और वह व्यक्ति होलिस्टिक स्वास्थ्य वाला होता है। स्वास्थ्य की दूसरी परिभाषा देखें, स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं। जब तीन प्रश्न भीतर पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, तब दर्शन का जन्म होता है, तब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जाता है, तब उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मैं कौन हूँ, इसका अर्थ यह है कि मुझे पता लगाना है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो इसका हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बड़ी बड़ी साधना करके पता लगाया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे भीतर जो विराजमान है वह शुद्ध आत्मा भगवान है और वह 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के हरेक के भीतर में वही शुद्ध आत्मा भगवान है। मात्र जो अंतर यह है कि हरेक को अलग अलग शरीर क्यों मिला है, वो हरेक के कर्मों का बोझ अलग अलग है, हरेक के कर्म अलग अलग हैं, इस कारण से हरेक को अलग अलग शरीर मिला है उसका भुगतान करने के लिए। ये शरीर अपने कर्मों को भोगने के लिए मिला है और शरीर कर्म भोगने के बाद में इस जन्म के जितने जितने कर्म हम भोग लेते हैं तो ये शरीर जो है समाप्त हो जाता है और फिर जो आत्मा दूसरी योनि में चली जाती है और वहाँ के जो कर्म होते हैं वो भुगतती है। साइकिल चलती रहती है जब तक कि सारे कर्म भुगत लिए नहीं जाते हैं, सारे कर्मों का डिटैचमेंट निर्जरा नहीं कर ली जाती है, एक एक कर्म को खपा लिया नहीं जाता है, तब तक आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था फिजिकल हेल्थ की, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि हमारे भीतर के जितने भी कोशिकाएँ हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज है, सिस्टम्स हैं, ये अच्छी तरह से वर्क करें। हमारी नर्व्स है, हमारे मसल्स हैं, वो सब आराम से जो है वो स्मूथ दृष्टि से वर्क करें और व्यक्ति आराम से अपने शरीर को किसी भी दिशा के अंदर कैसे भी मोड़ सकता है और कोई भी कार्य जो है इस शरीर से कर सकता है। फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है पतंजलि योग सूत्र के अंदर आसन और प्राणायाम बताया गया है। आसन का अर्थ होता है कि जितने हमारे पक्षी हैं, जिन जिन आसनों के अंदर, जिन जिन पोस्चर में वो बैठते हैं, वही पोस्चर अगर व्यक्ति करे तो वो एक आसन होता है
और नॉर्मल वे में व्यक्ति आराम से बैठता वो सुखासन कहलाता है। मयूरासन, मयूरासन, पंकासन और सर्पासन, शवासन, ताड़ासन, इस तरीके से बहुत सी तरीके का आसन है। उन आसनों को जो है व्यक्ति करे तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं और बॉडी का जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, कहीं पे ऑब्स्टेकल नहीं आता है और शरीर मुलायम रहता है। और शरीर मुलायम रहने से हम अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन के अंदर बिना अकड़न जकड़न के जो है मोड़ सकते हैं। और दूसरा है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, यानी अपनी जो प्राण है, अपनी जो वायु हम लेते हैं, प्राण वायु है, उसका प्रबंधन करना। उसके लिए अनुलोम है, विनुलोम है, श्वास प्रेक्षा है, भस्त्रिका है, और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारा ये सारे कार्यक्रम उसके अनुरूप होते हैं। अब वो समय नहीं है कि एक एक प्रयोग को करावें, क्योंकि पांच तरह के स्वास्थ्य की चर्चा हमें करनी है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल हेल्थ। दूसरा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य। क्या होता है कि हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए, हमारा मन जो है इधर उधर भटके नहीं। शरीर के लिए कहा गया है कि शरीर चलता फिरता रहना चाहिए, शरीर एक जगह बैठा नहीं रहना चाहिए, और जो मन है वो स्थिर रहना चाहिए, मन खूंटे बंधा हुआ रहना चाहिए। बहुत से लोग जो ये शिकायत करते हैं कि जब ध्यान करने बैठते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा अच्छा प्रयोग है। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारा मन जो है एक जगह एकाग्र हो जाता है, इधर उधर घूमता नहीं है। पर लोग ये शिकायत करते हैं जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है ज़्यादा विक्षिप्त होता है, इधर उधर ज़्यादा जाता है, नॉर्मल वर्क करने समय में इधर उधर नहीं जाता है, लेकिन जो ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता है। तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि मन भटके तो मन क्या होता है। मन के लिए कहा गया मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन, और इसको बंदर की संज्ञा दी है। इसका काम ही जो है चंचलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे एक बच्चा जो है चंचल होता है, हम जिद करते हैं तो ज़्यादा चंचल होता है। तो आप ये एक प्रयोग करें कि जिस तरीके से मकर संक्रांति को जो है वो पतंग उड़ाते हैं और पतंग के पीछे मंजा होता है, हम ढील देते जाते हैं तो वो पतंग है वो धीरे धीरे आकाश में दूर तक चली जाती है, और हम अब अगर हम उसको जो मंजे को खींचते हैं तो मंजा इतना कांच का बना हुआ होता है कि हमारा हाथ भी छिल जाता है, यानी इसको खींचना नहीं है। तो ठीक उसी तरह से मन को जो है आप पूरी फ्रीडम दे दो, तुम्हारी इच्छा हो जहाँ जाओ, अच्छी जगह जाओ, बुरी जगह जाओ, मेरी तेरे कोई रोक टोक नहीं है, खूब घूमो फिरो, ऐश करो, आराम करो। तो मन क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में आपके खूंटे बन जाएगा। मन किस लिए भटकता है, हम मन को रोकते हैं, मन पर दबाव डालते हैं, मन पर अंकुश करते हैं कि इधर उधर क्यों भाग रहा है। तो जो जो अंकुश करते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा भागता है, उसको छूट दे दो, जाने दो, तो जो अपने आप जो है वो एक जगह खूंटे बन जाएगा। मैं लगभग 40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और इस प्रयोग को मैं रोज़ करता हूँ, नित करता हूँ। इस प्रयोग को जो मैंने कई लोगों को बताया और लोगों को वास्तव के अंदर लोगों ने इस प्रयोग के तहत, सरल प्रयोग है, इस प्रयोग के तहत जो कार्य किया तो उनका मन जो है एक जगह रहा, इधर उधर भटकता नहीं है। और तीसरा जो स्वास्थ्य होता है हमारा इमोशनल स्वास्थ्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्वास्थ्य। इमोशंस किसे कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, और जो है तृष्णा, और उसके बाद के अंदर किसी की निंदा करना, ये सब जो है वो हमारे कहना चाहिए हमारे दुर्गुण हैं, और ये हमारे मतलब नेगेटिव थॉट्स है, और ये हमारे नकारात्मक भाव हैं जो कि हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। इनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, मैं आपको एक सटीक प्रयोग बहुत सरल सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, सर्वग्राह्य भाषा में बताना चाहता हूँ कि आप एक श्वास का प्रयोग कीजिए। नॉर्मल श्वास बेचारा ऐसा है कि जाता रहता है, आता रहता है, और जीवन भर साथ साथ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक श्वासा तब तक आशा, ये आता जाता रहे, और जब तक राम नाम सत होता है तब तक ये श्वास हमारे साथ चलता रहता है। नॉर्मल आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, एक व्यक्ति
बिना किसी टेंशन के अंदर एकदम फ्री अपने मस्ती के अंदर होता है, उस समय में उसके जो है टेंशन फ्री होने के समय में एक मिनट में वो 16 श्वास लेता है। एक श्वास का अर्थ होता है एक्सहेल और इनहेल, श्वास भीतर गया श्वास बाहर आया, दोनों स्ट्रोक को मिला करके एक श्वास बनता है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा अभ्यास करना है। श्वास के समय में पेट जो लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के निकालने समय पेट सिकुड़ना चाहिए। हम थोड़ा सा अभ्यास करें, ये श्वास को लंबा करें, श्वास लंबा जाए और श्वास लंबा आए। जब हम इस प्रयोग को करते हैं तो इस प्रयोग को करने से हमारी श्वास की संख्या 16 से घट करके 14, 12, 10 तक आ सकती है, 8 तक भी आ सकती है, अपने अपने प्रयोग के ऊपर हम कितना लंबा श्वास लेते हैं। और अगर व्यक्ति 10 और 12 श्वास पर भी आ जाता है तो निश्चित तौर से मेडिकल साइंस कहती है, उन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं, शोध किए हैं कि व्यक्ति का जो है इमोशनल हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है उस कंडीशन में, जबकि व्यक्ति की 8, 10, 12 श्वास जो लेता है एक मिनट के अंदर, उसको क्रोध नहीं आ सकता, अहंकार नहीं आ सकता, वो छल कपट नहीं कर सकता, वो लोभ नहीं कर सकता, वो घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि वो राग द्वेष मुक्त हो जाता है। हमारे श्वास का संबंध राग द्वेष से बहुत है, और जब श्वास की संख्या बढ़ती है तो हम जो इरिटेट हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। श्वास की संख्या 16 से बढ़कर के 20, 30, 40, 50 और आगे बढ़ जाती है तो ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो और इसलिए श्वास का संबंध हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य से बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिक जो है स्वाध्याय करना चाहिए। हमें ये चिंतन करना चाहिए इस चराचर जगत के अंदर केवल एक मैं ही जीने वाला नहीं हूँ, असंख्य असंख्य प्राणी हैं, सभी शांतिपूर्ण से जिए, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो इस सिद्धांत से चलने से जो है हम इमोशनल हेल्थ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। व्यक्ति को इगोस्टिक नहीं होना है, ईगो को जो व्यक्ति छोड़ लेता है वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब अगला जो स्वास्थ्य है वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, ये बहुत ऊंचे दर्जे का स्वास्थ्य होता है, और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त कर लेता है वो कई कई जो है भीतर हमारे जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, भीतर हमारा जो खजाना है वो खजाने को प्राप्त कर लेता है। स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर हम भीतर जाते हैं, भीतर आत्मा का साम्राज्य है और आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो हम अगर इटर्नल ब्लिस चालते हैं, इटर्नल ब्लिस जो हमारे को स्पिरिचुअल हेल्थ से मिलती है और वह भीतर के खजाने में जा से मिलती है। स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने वाला व्यक्ति दूसरे के दोष नहीं देखेगा, अपने दोष देखेगा, अपना सुधार चालू करेगा। और जो व्यक्ति बाहर की ओर भटकता केवल बुद्धि के लेवल पर काम करता है तो बुद्धि क्या करती है कि हमारी भूलों की रक्षा करती है, हमारी भूलों को दबा के रखती है और दूसरे की गलती निकालती है, वो इधर उधर संसार में हमको भटकाती है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है ऐसा क्यों वैसा क्यों, और इस दुनिया के अंदर हमको भटकाती है और ये कई तरह से जो है जो प्रश्न पवाचक लगा करके ये कार्य करती है। तो वो स्पिरिचुअल हेल्थ में जाना वाला व्यक्ति अपने आप को देखना प्रारंभ करेगा, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा और उसके बाद में सोचने लगेगा कि मेरे भीतर कितना खजाना भरा पड़ा है, उस खजाने को भीतर कितना आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति के अंदर वो लग जाता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ है और एक सोशल हेल्थ होती है। सोशल हेल्थ वाला व्यक्ति सब जगह एडजस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एडजस्ट एवरीवेयर। ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ और जो है वो जवान लोगों के साथ के अंदर, सर्दी में, गर्मी में और जो है वो निंदा में, प्रशंसा में, और कम खाना मिला चाहे ज़्यादा मिला, ठंडा मिला या गर्म मिला, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडजस्ट एवरीवेयर। ऐसे वाला व्यक्ति जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य वाला होता है, और सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर ये होता है हम दूसरे का सम्मान करें, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और दूसरे की बात को ज़्यादा सुने, अपनी बात को कम कहें और दूसरे की बात को ज़्यादा सुने और उसमें से सार की चीज़ को हम निकालें। प्रतिक्रिया विरति करनी होती है कि हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करके अगले को ज़्यादा सुनकर के उसकी बात को तवज्जा देना होता है। जब व्यक्ति दूसरे सामने वाले को सम्मान देता है तो सम्मान प्राप्त करता है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से रहने से व्यक्ति का लोगों के प्रति जो है वो अच्छा एक सम्मान का
प्रेम का स्नेह का वातावरण बनता है, वो घर में अच्छा एडजस्टेबल हो जाता है, समाज में अच्छा एडजस्ट हो जाए और पूरी सृष्टि के अंदर वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये 5 तरीके के स्वास्थ्य मैंने बताए और इन स्वास्थ्य को जो है कैसे मेंटेन रखा जाए उसके लिए भी छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए। अब क्वेश्चन ये है कि हम आज थोड़ा सिनेरियो को देखें और आज इस एपिसोड को जो है आज के सिनेरियो से जोड़े कि आज हमारे सिनेरियो में, आज हमारे परिप्रेक्ष्य में, आज हमारे समाज में, आज हमारी सृष्टि में, आज हमारे इस जो है वो चराचर जगत के अंदर क्या हो रहा है, आज इसके विपरीत हो रहा है, व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति अप्राकृतिक हो गया है। हमारी जो प्रकृति माँ है, प्रकृति जो है माँ है, वो इट कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, वाटर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है इससे हमारी ये सृष्टि बनी है, पंचभूतात्मक जिसको कहा जाता है। और हर व्यक्ति जो है इस पंचभूतों से जन्म लेता है, पंचभूतों से उसका पालन पोषण होता है और पंचभूतों से वो सारा अपना जीवन भर का कार्य करता है। उसकी जो विटालिटी बनती है, उसकी प्राण शक्ति बनती है 5 भूतों से। और उसके बाद के अंदर जब राम नाम सत हो जाता है, जब वो विलीन हो जाता है, तो ये 5 भूत पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश वापस मिल जाती है। और फिर से जब वो दूसरी जगह जन्म लेता है, दूसरी योनि में जन्म लेता है, तो फिर से जो 5 भूत जो है वो आकर के उसी रूप का शरीर बना देते हैं। तो ये बेसिक 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये हमारे जो है वो आइडियल्स हैं। कोई युग था कि 5 भूतों की पूजा हुआ करती थी, प्रकृति माँ की पूजा करते थे। तो व्यक्ति ने इन 5 भूतों का संरक्षण करना, 5 भूतों को अपनाना छोड़ दिया है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का अर्थ है, देखिए कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जो जब वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए इस पृथ्वी से। जल का मतलब शुद्ध जल मिलना, पीना चाहिए और वो अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जो है आज जो है वो जल का बराबर उपयोग नहीं कर रहा है। और उसके बाद के अंदर भी जल का जो है वो जल अपने आप में सबसे बड़ा रसायन है। और व्यक्ति जल का सदुपयोग सही समय से करे तो कोई बीमारी भी नहीं आती है। अग्नि का मतलब ताप, हमारी जठरा अग्नि है, इस जठरा अग्नि को मेंटेन रखेंगे हम तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी। और पृथ्वी जल अग्नि वायु जो प्राण वायु है, शुद्ध वायु को हम लेंगे, शुद्ध स्थान में रहेंगे तो वहाँ पर जो है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करें। आकाश का मतलब हमें खुले में रहना, हमारा जो है वो होता क्या है, हम तो अपने आप को घर में बंद रखते हैं, एसी के अंदर रखते हैं, बिल्कुल खोलते नहीं हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, इसी कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम नए नए एपिसोड के साथ में नई नई चीज़ें लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।